हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन फ्रूट्स को आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेनली ड्रैगन फ्रूट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पिंक इनसाइड, इसके अगर आप पल्प को देखेंगे तो वो पिंक होता है, उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं ब्लैक। सेकेंड है व्हाइट इनसाइड, व्हाइट इनसाइड में जो पल्प का कलर होता है वो व्हाइट होता है और मैंने जैसे बताया ब्लैक ही सीड्स टाइप में होते हैं। थर्ड है येलो इनसाइड, इसका पल्प येलो होता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको ज्यादा पसंद किया जाता है, कुछ कारण है जिसे ऑस्ट्रेलिया में न्यूट्रिशन के लिए भी ज्यादा पसंद किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, हमारे को यंग बनाए रखते हैं। विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स और कैल्शियम होते हैं, ये फैट्स को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड शुगर को भी कम करता है। तो ये आप जरूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये साउथ इंडिया के बहुत से पार्ट में इसकी खेती होती है, कर्नाटक में, आंध्रा में। आप ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक एग्रीमेंट दोस्तों होने वाला है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया में 0% ड्यूटी देके आप ड्रैगन फ्रूट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है इसको बोलते हैं ECTA, इकोनॉमिकल कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है जिसमें इंडिया अगले 5 साल तक 0% कस्टम ड्यूटी पे करके ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में अपने सामान को भेज सकेगा, और ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया में अपना सामान भेजेगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी 85% कम कर दी जाएगी। ये जो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है। इससे पहले सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में फरवरी में सेम ऐसे ही एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन क्योंकि ये यहां हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ये ECTA एग्रीमेंट है। इसमें इंडिया एक्सपोर्ट कर सकेगा 0% कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद, जीरो यानी इसको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी अपना सामान ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जब एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी उसके सामानों पे वो 85% कम कर दी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, ये एग्रीमेंट होने वाला है और उसके तहत आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो आप जरूर ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट कीजिए, और अगर 250 केजी से नीचे के वेट में आप ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप बाय एयर एक्सपोर्ट कीजिए, बाय एयर एक्सपोर्ट कीजिए। 250 से ज्यादा का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाय शिप एक्सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन में काफी कम प्राइस में आप ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता ही है आपको, ऑस्ट्रेलिया सबसे काफी रिच कंट्रीज में है, कैनबरा इसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहां की करेंसी है। सी पोर्ट्स अगर आप कैर करना चाहते हैं तो एडिलेड सी पोर्ट है, बेलब्रे सी पोर्ट्स है, ब्रिस्बिन सी पोर्ट्स है, ब्रूमी सी पोर्ट्स है। अगर बाय एयर जैसे मैंने आपको बताया 250 केजी से अगर आप कम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बाय एयर कर सकते हैं, जैसे एडिलेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशवाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आस्परफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत से होटल को आप टारगेट कर सकते हैं, होटल में ड्रैगन फ्रूट्स को यूज किया जाता है। सेकेंड, आप ड्रैगन फ्रूट की जूस इंडस्ट्रीज जो है ऑस्ट्रेलिया में उनको आप टारगेट कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ मार्केट्स बता देता हूं जहां ड्रैगन फ्रूट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट्स को जो मार्केट है वो मेलबोर्न मार्केट है, रॉकलिया मार्केट्स है, होलसेल मार्केट्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, ब्रिस्बेन मार्केट्स है, सिडनी मार्केट्स है, यहां पे आप ड्रैगन फ्रूट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्रैगन फ्रूट को ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा बहुत कम पैसे में आप ड्रैगन फ्रूट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है जिसमें 0% ड्यूटी कस्टम ड्यूटी देने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करेंगे तो आप जरूर एक्सपोर्ट किए ड्रैगन फ्रूट्स को। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है और मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। बहुत कम पैसे से आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।